हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। प्रोमिला की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम बनाएंगे चटपटी वेज आटा नूडल्स। चटपटी मसाला मैगी बनाने के लिए मैंने ये दो छोटे प्याज काट लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और आधा कटोरी हरी मटर ले लिया है। ये फ्रोजन मटर हैं, ताज़ी भी ले सकते हैं आप। और ये दो शिमला मिर्च थी, इनको छोटा छोटा काट लिया है। और ये एक बड़ा टमाटर और हरी मिर्ची काट ली है साथ में। और ये आटा वेज आटा नूडल है, ये चार पैकेट ले लिए हमने। गर्म हो गया, अब प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा एक मिनट के लिए सेकेंगे। प्याज को ज़्यादा नहीं सेकना, बस एक एक मिनट के लिए बस थोड़ी सी सेक लगानी है। अब डाल देंगे शिमला मिर्च, इनको भी दो मिनट के लिए सेकेंगे हल्के हल्के। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा ही पकाना है, क्रंची क्रंची सी करनी है बस थोड़ी सी। अब डाल देंगे हरी मटर, दो तीन मिनट इनको चलाएंगे ऐसे। अब डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक पकाएंगे ऐसे ही चला चला के। अब इसमें डालेंगे थोड़े से अपने मसाले, बाकी तो इन पैकेट में भी मसाला आता है, बाद में वो भी डालेंगे। ये डालेंगे एक चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक मसाले में भी होता है, कम ही डालेंगे। और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी काट ली थी। और ये थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, और साथ में डालेंगे काली मिर्ची पाउडर। अब इनको मिलाएंगे। ये मसाला तैयार हो गया है और सारे मसाले पक चुके हैं जो हमने डाले थे अपनी तरफ से। अब ये डाल देंगे मैगी मसाला, जो मैगी के पैकेट में ही निकला था, तो हम ऐसे ही चारों पैकेटों को डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह मिला के पकाएंगे। ये हमारे मसाले अच्छी तरह पक गए हैं, मैगी मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये ढाई गिलास पानी है, और इसको तेज गैस में एक उबाल आने तक पकाएंगे इसको। ये मसाला और तरी बिल्कुल पक गया, देखो कितना बढ़िया उबाल आ गया, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और अब हम डाल देंगे इसमें अपनी ये मैगी, आप तोड़ के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं सीधे सीधे भी। चारों पैकेटों को इसमें डाल देंगे ऐसे, और गैस को कर लेंगे लो मीडियम। अब इसको पलट पलट के पकाएंगे अच्छी तरह से, मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना, बिल्कुल धीरे धीरे पकाएंगे इसको। अब इनको तोड़ लेंगे, थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है मैगी, ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि आटे से बनी हुई है। अब इसको पानी सूखने तक पकाएंगे अच्छी तरह से, और नमक मिर्च अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। गैस को बिल्कुल मीडियम रखा हुआ मैंने, और अब ढक के पकाएंगे इसको एक मिनट के लिए। अब ढक्कन खोल के देख लेते हैं हमारी मैगी कैसे पक रही है। यह देखो कितनी अच्छे से पक रही है, और इसको चला चला के पकाएंगे अच्छी तरह से, जब तक पानी ना सूख जाए पूरी तरह। ये हमारी मैगी बिल्कुल लगभग बन के तैयार हो गई है, पानी सूख गया है, मैंने गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लिया था पानी सुखाने के लिए। ये देखो कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। गैस को कर देते हैं बंद, और ये देखो हमारी चटपटी मसाला मैगी बनके तैयार है। अब डाल देंगे इस पर थोड़ा सा चीज़, बहुत ही टेस्ट बढ़ जाएगा। और भी दो टुकड़े, ये ऑप्शनल है, अगर
अब इस पे डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, अब इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारा चीज़ अच्छी तरह से पिघल जाए। फ्रेंड्स, हमारी मसाला मैगी तैयार है। अब हम प्लेट में इसको सर्व करते हैं और देखो चीज़ भी कितना बढ़िया पिघल गया है। ये देखिए कितनी बढ़िया मसाला मैगी बनके तैयार हुई है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।